हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल क्वेश्चन 20 नंबर 1 तक फिनिश किए थे। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्या है, ए रेस टू 2x इंटू साइन 3x। सेकंड क्या है, ए रेस टू -x इंटू कॉस 2x। तो इस क्वेश्चन को देख के शायद आपको कुछ फील होता रहेगा, यार ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां पे सेम था सिर्फ यहाँ पे क्या था, कॉस 3x था, बाकी पूरा पूरा क्या था, सेम था। तो सेम उसी पैटर्न में करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड भी सॉल्व करने वाले। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सो क्या करो, लेट के हिसाब से बिठा लो। तो ई रेस टू एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x यहाँ पे dx, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, पहला काम। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। तो u इंटू वीरो लगाइए, तो u को कॉमन लेंगे, तो i इज इक्वल टू साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x यहाँ पे dx, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर क्या हो जाएगा, d अपॉन में dx, यहाँ पे क्या आपका साइन 3x को क्या करना है, हमको डेरिवेट करना है, इंटू d अपॉन में dx e रेस टू 2 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है यहाँ पे भी dx। ओके, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये साइन 3x सेम रहेगा इन टू, ठीक है, ई रेस्यू 2x से डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, डेरिवेटिव करो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन करो, सेम ही आता है, ई रेस्यू 2x अपॉन में 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन 3 से क्या होता है, साइन का होता है कॉस 3x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इन टू, यहाँ पे देखो 3x का डेरिवेटिव वापस करो तो 3 आएगा, इन टू ई रेस टू 2x अपॉन में। अब देखिए यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यार यहाँ पे हमने जब इंटीग्रेशन किया तो अपॉन में 2 है, यहाँ पे डेरिवेटिव किया तो क्या 3 क्यों आ रहा है, तो क्वेश्चन आना लाजमी है, बट इसका आंसर ये, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में अगर जो कंपोजिट फंक्शन रहता है उसको डेरिवेट करके हम लोग क्या करते हैं, अपॉन में लेते हैं, और वही चीज़ अगर जो डेरिवेटिव में कितने भी कंपोजिट फंक्शन है उसको सब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे आपका dx रहेगा, फिर क्या करना है, यहाँ पे से लेते हैं साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक और करते हैं कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, 3/2 कॉमन आएगा तो ले लेते हैं 3/2, ये हो गया ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस 3x, कॉस 3x यहाँ पे क्या आपका इंटू ई रेस टू 2x यहाँ पे dx, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन, ये हो गया। देखिए 3/2 को बाहर ले लिया, यहाँ पे cos 3x यहाँ पे e रेस टू 2x एज इट इज है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी क्या रहा है, u इंटू वी रूट, ओके, यहाँ पे क्या रहा है, u इंटू वी रूट अगेन आ रहा है, तुम लोग अगेन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू e रेस टू 2x अपॉन में 2 माइनस 3/2, बड़ा सा ब्रैकेट ले लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या इसको कॉमन लेंगे, कॉस 3x को कॉमन लिया, ओके, कॉस 3x को कॉमन लिया है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x यहाँ पे dx, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर से क्या गया, d अपॉन में dx, कॉस 3x को डेरिवेट किया है, ओके, कॉस 3x को क्या किया है, डेरिवेट किया है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x यहाँ पे dx, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे वापस से dx, ये तो एज इट इज रहने वाला है, i इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन में 2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 3/2 ब्रैकेट, यहाँ पे कॉस 3x तो एज इट इज, इससे क्या होगा, इंटू ई रेस टू 2x अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन, इससे क्या होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 3x इंटू 3, फिर इससे क्या होगा, ये वाला सेम आ जाएगा, इंटू ई रेस टू 2x अपॉन में 2 यहाँ पे dx। अब यह देखो ये ब्रैकेट ना, तो यहाँ पे क्या करो, ब्रैकेट लगा दो, ये हो गया है। अब क्या करना है, सिंपली करते हैं,
ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स अपॉन में टू। यहाँ पे क्या है देखो, ये इसको ऐसे रखो माइनस थ्री बाय टू, ये ब्रैकेट। यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉस थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स अपॉन में क्या जाएगा टू हो गया। ओके यहाँ पे हाँ बरोबर है, ये कॉस ऐसे रहने वाला, ये ऐसी सी। फिर यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ वाला माइनस को मैं बाहर ले तो क्या जाए पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ वाला माइनस को बाहर तो पॉजिटिव हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक चीज और है, हाँ थ्री बाय टू यहाँ पे भी, तो थ्री बाय टू को यहाँ पे भी बाहर ले लेते हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स यहाँ पे डी एक्स। ओके यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका ब्रैकेट रहेगा। ओके ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, देखिए ये वाला एज इट इज रखा है, इसको भी एज इट इज रखा है, देखिए ये माइनस है, माइनस बाहर आ गया तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। फिर ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, डी एक्स सेम रहेगा। अब ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स डी एक्स, साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स डी एक्स, ध्यान से देख रहे हैं। इसके पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। उससे पहले क्या करो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओके ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स अपॉन में टू, देखो यहाँ पे करो तो माइनस हो जाएगा थ्री अपॉन में टू टू जा फोर कॉस थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स, देखिए प्लस माइनस माइनस, ओके थ्री थ्री जा नाइन टू टू जा फोर, देखिए थ्री थ्री जा नाइन टू टू जा फोर। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स डी एक्स, ये होने के बाद अब क्या करें हम लोग वैल्यू इसका उठा के यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि अब हमने क्या किया देखो ब्रैकेट ओपन कर दिया है, अब वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो ये तो एज इट इज रहने वाला है आपका, तो जाएगा आई इज इक्वल टू साइन के पावर साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स अपॉन में टू माइनस थ्री बाय फोर कॉस थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस नाइन बाय फोर, यहाँ पे हो जाएगा आई। कहाँ से आएगा फ्रॉम वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके ये इसके जगह पे क्या आ गया, इसके पे आपका क्या आ गया आई आ गया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन वन से, वो ले लिया। अब क्या देखिए ये देखिए आई क्या है माइनस दे रहा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस नाइन बाय फोर आई इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स अपॉन में टू माइनस थ्री अपॉन में फोर कॉस थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स। ओके कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये देखो फोर फोर आई प्लस का नाइन आई अपॉन में फोर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अपॉन में फोर है, यहाँ पे फोर नहीं, तो यहाँ पे फोर आने में क्या करना पड़ेगा टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। ओके यहाँ पे देखिए फोर लाइन क्या है, टू से यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई किया, या तो टू ऊपर बोल तो मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया। ओके अब ये क्या हो गया फोर हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए रेस्ट टू है, यहाँ पे बी रेस्ट टू है, यहाँ पे फोर है और यहाँ पे फोर, तो हम लोग क्या करेंगे ए रेस्ट टू टू एक्स अपॉन में फोर को बाहर ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा टू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स। ध्यान से देखिए यहाँ से देखिए टू फोर करने के लिए क्या करना पड़ा, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो ये फोर तो बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा टू साइन थ्री एक्स, ये तो बाहर आ गया, फिर ये थ्री बाय फोर है ना, तो फोर तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे कॉस थ्री से तो बाहर आ चुका। अब क्या करना ध्यान देखिए ये वाला पार्ट कैंसल हो गया। अब क्या हो जाएगा देखें ये कितना थर्टीन हो जाएगा, थर्टीन आई इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स टू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स, ये हो गया है। अब देखिए थर्टीन क्या इधर इंटीजर है तो डिवीजन में, तो आई इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स अपॉन में थर्टीन ब्रैकेट में टू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस का सी प्लस का सी प्लस का सी सब में रहेगा प्लस का सी, यहाँ यहाँ से यहाँ तो बाकी ना यहाँ से यहाँ ये रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ये इस तरीके से करना है, ओके ये इस तरीके से करना है, ये क्या आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए हमने इसको अरेंज कर लिया है, तो ये हो गया यू, ये हो गया बी, तो एक बार इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ से देख रहे यार वापस से यू टू बी आ रहा है, तो वापस से इसमें फॉर्मूला के इंटीग्रेट के, फिर देख रहे यार ये तो सेम क्वेश्चन में आ रहा है, तो हमने क्या किया इसको वापस अगर जो इंटीग्रेट करने गया तो सेम प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा। उसमें क्या करो बेटर यही है कि इसे क्या करो आई उठा के रख दो,
फिर इधर माइनस इधर तो प्लस हो, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमको आंसर मिल गया। सेम इसी पैटर्न में कट टू कट सेम कौन सा क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर टू। बस यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे ना इसका, इसका जब डेरिवेट करेंगे, देखिए ये आप कैसा है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू माइनस एक्स है, क्या जाएगा ये तो आएगा ई टू माइनस एक्स सेम ही आएगा, तो माइनस वन अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस वन यानी यहाँ पे चल जाएगा। ओके बस यहाँ पे यही फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं, बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी सेम प्रोसेस करना, कुछ भी चेंजेस करना नहीं है, क्योंकि आप दो बार इंटीग्रेट करो तभी इस फॉर्म में आएगा। ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर वन और ये क्वेश्चन नंबर टू आपके लिए होमवर्क है। ओके ये सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या होता है, साइन लॉग एक्स। ओके तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आई इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स यहाँ पे डेस फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ यू ए बी नहीं है, या तो एक काम ये कर सकते हैं इंटू वन करके कर सकते हैं यू इंटू वी रूल, जिसमें कि देखिए अगर आपको लॉग एक्स दिया है तो इंटू वन करके हम लोग क्या करते हैं यू इंटू वी रूल लगाते हैं, बट यहाँ पे इस तरीके से करने थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो इससे सबसे बेटर तरीका क्या है, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, दिख रहा ना आपको, तो सपोज कर लेते हैं। तो लिखिए पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो देखिए यहाँ पे लॉग के बेस में कुछ नहीं रहता तो ई रहता है ना, तो ई के पावर में टी चले जाता है, यहाँ पर जाएगा एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में टी, एक तो ये हमारा काम हो गया। अब इसको क्या करें, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू टी, इधर चले जाएगा तो डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी इन टू डी टी। ओके तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया है, डी एक्स का वैल्यू आ गया है ई रेस टू टी इन टी डी टी। ओके बिठा के यहाँ पर रख दो, तो आई इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग से क्या आ गया टी आ गया है इन टू ई रेस टू टी डी टी, ये हो गया है। अब देखिए ये आपका यू हो गया है और ये आपका वी हो गया, ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा बन गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन टी को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर हो गया साइन टी, फिर यहाँ पे क्या जाएगा इन टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी, बाहर क्या आ गया डी टी। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, तो कीजिए देखिए साइन टी तो एज इट इज रहेगा, साइन टी इन टू ई रेस टू टी तो सेम रहने वाला, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, माइनस साइन टी का क्या होता है कॉस टी इन टू ई रेस टू टी यहाँ पे डी टी। तो देखिए यहाँ पे वापस आपको यू इंटू वी रूल लिख रहा है, ये हो गया आपका यू, ये हो गया आपका वी, कुछ भी चेंजेस नहीं, सेम प्रोसेस यहाँ पे तो सेम रहेगा, ई रेस टू टू इन टी साइन टी हो जाएगा माइनस, हाँ माइनस बाहर रखो बड़ा सा ब्रैकेट, फिर क्या आएगा यहाँ पे कॉस टी बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर क्या आएगा डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस टी। ओके कॉस टी को डेरीवेट कर दिया, फिर इन टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी यहाँ पे डी टी बाहर क्या जाएगा डी टी। अब इसको एक बार और क्या करना है, वापस से इंटीग्रेट करना है, तो ई रेस टू टी इन टू साइन टी माइनस बाहर ही रखो, यहाँ पे कॉस हो जाएगा कॉस टी इन टू ई रेस टू टी तो सेम रहने वाला है माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी इन टू ई रेस टू टी डी टी। ओके ये ब्रैकेट बाहर रहेगा। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा I इज इक्वल टू ई रेस टू टी इन टी साइन टी, फिर क्या करता हूँ मैं माइनस से रुक जाओ एक स्टेप रहने देता हूँ मैं, माइनस बाहर रखो, फिर क्या करो ये कॉस ऐसी रहने वाला है ई रेस टू टू इन टी कॉस टी। ओके फिर देखिए ये माइनस बाहर तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अंदर साइन टी इन टू ई रेस टू टी यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाहर है ब्रैकेट। ओके फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आई इज इक्वल टू ई रेस टू टू इन टी साइन टी माइनस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस ई रेस टू टी इन टू कॉस टी प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इन टू ई रेस टू टी यहाँ पे डी टी। अब ध्यान से एक चीज देखिए, ध्यान से यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन देता हूँ मैं, देखिए साइन टी इंटू ई रेस टू टी डी टी क्या था आई आता है, यहाँ पे सेम है ना साइन टी ई रेस टू टी इंटू डी टी क्या जाएगा आई हो जाएगा, तो बस यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए फिर आ जाएगा आपका आंसर।
जाएगा आई इज इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू साइन टी माइनस ई रेस टू टी इंटू कॉस टी, यहाँ पर जाएगा माइनस आई, इधर तो प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और ध्यान देखिए, ये वाला और ये वाला पार्ट क्या दोनों जगह सेम है, हम लोग क्या करेंगे उसको कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा ई रेस टू टी, अंदर क्या बचेगा साइन टी माइनस कॉस टी। अब देखिए आई और कितना जाएगा, दो आई हो जाएगा टू आई, और क्या करना है ई रेस टू टी इन टी इन टू साइन टी माइनस कॉस टी। अब क्या करना है सिंपली आई का वैल्यू डाल दो, एक चीज और करो, देखो टू इधर क्या है इन टू में इधर, तो डिवीजन में, तो आई इज इक्वल टू वन बाई टू, और ई रेस टू टी का वैल्यू क्या है, देखे ई रेस टू टी का वैल्यू है एक्स इन टू एक्स ब्रैकेट में, फिर साइन साइन, और टी का वैल्यू क्या है लॉग, तो लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस का सी, यहाँ पे भी प्लस का सी प्लस का सी प्लस का सी, यहाँ पे भी है लॉग, हाँ ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। देख लीजिए किस तरीके से करना है, सबसे पहले क्या क्या देखो साइन एंड लॉग एक्स है ना, ये तो एक ही है सिर्फ यू है, वी तो है नहीं, हमने क्या किया लॉग एक्स को सपोज किया, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो बेस में तो हमेशा ई रहता है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास देखिए कुछ ऐसा फॉर्मूला था कि लॉग एक्स यहाँ पे वाई, यहाँ पे क्या होता था ई रहता था, क्या होता था यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, एक्स इक्वल टू क्या हो जाता था ई के पावर में वाई, ओके एक्स इक्वल टू के पावर में वाई, कुछ इस तरीके से हो जाता था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे वही चीज हमने क्या किया अप्लाई किया है, फिर इसको यहाँ पे रख के फिर हमने क्या किया है ई इंटू वी रूल लगाया है, आपको सॉल्व हो गया। जब भी ई रेस टू एक्स रहता है तो आपको दो बार तो इंटू रूल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दो बार लगाते हैं तो बाद में सेम एज इट इज क्वेश्चन के जैसा आ जाता है, फिर वहाँ पे आई रख के हम उसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, अंडर रूट में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ओके तो इसको हमने क्या क्या सपोज कर लिया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाहर डीएक्स, ओके हमने इसको सपोज कर लिया। अब ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लग रहा है, जो अभी तक हम लोगों ने किए ना वो थोड़ा सा अलग था, ये अलग फॉर्मूले पे। तो देखिए इस टाइप के मैंने तीन फॉर्मूले आपको लिखा है, तब बेसिक बताते समय कुछ ऐसा था, यहाँ पे लिखता मैं अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, फिर एक और था अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। जब भी कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन रहता था तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या था हमारा, सबसे पहला एक्स वाई टू सभी में रहता था, तीनों में एक्स वाई टू, फिर रूट जो रहता था आपका सेम रहता था, जो भी रूट रहने दो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस का ए स्क्वायर है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस है तो पॉजिटिव, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है तो नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस रहता है वहाँ पे नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, ये हो गया। फिर क्या करना है, सभी फॉर्मूले में ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, फिर क्या करना है इन टू, देखिए जब वन अपॉन में ये रहता क्या होता था साइन इनवर्स होता था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई ए प्लस का सी, फिर यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में सेम आता था प्लस का सी, यानी कि यहाँ पे क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, फिर सेम यहाँ पे भी लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये फॉर्मूले थे। अब जितने भी कुछ चार पांच क्वेश्चन हैं, पांच छह क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन जितने भी आ गया सब इसी टाइप के आने वाले हैं, तो हमको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, ओके आप उसके लिए मल्टीप्लाई कीजिए, कॉमन लीजिए, डिवाइड कीजिए, जो आपको इच्छा कीजिए, लेकिन इस फॉर्म में ला के फिर ये फॉर्मूले को यूज करना है। तो चलो हमने स्टार्ट करते हैं, यहाँ वाले क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री डी एक्स, तो यहाँ पे देखिए फाइव, तो फाइव को बाहर निकाल लेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो अंडर रूट में क्या जाएगा यहाँ पे फाइव बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री बाय फाइव यहाँ पे डी एक्स, फाइव को डायरेक्टली बाहर लेता हूँ मैं, तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट में बाहर आ जाएगा फाइव इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी रूट में ले लेते हैं तो क्या जाएगा अंडर रूट में थ्री बाय फाइव पूरे का स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स, क्योंकि देखिए दोनों कोई भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करें उसको अंडर रूट में ले लेते हैं, ओके ये हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दिख रहा है लास्ट वाला टर्म दिख रहा है ना, लास्ट वाला फॉर्मूला,
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या करेंगे, ऐसा आप यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख देंगे, ओके। फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या है, रूट फाइव क्या है, बाहर ही रखो रूट फाइव। रूट फाइव को क्या करना है, बाहर रखना है तो रख दिया, फिर बड़ा सा ब्रैकेट। फिर क्या है, सबसे पहला काम क्या, एक्स बाई टू, यानी कि एक्स तो सेम रहेगा, टू सेम रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, अंडर रूट में सेम आएगा, तो अंडर रूट में ले लेता हूँ मैं, ये सेम आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में फाइव बाय थ्री बाय फाइव, हाँ थ्री बाय फाइव, थ्री बाय फाइव का स्क्वायर। फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है प्लस ए का स्क्वायर, ये क्या है आपका, ये है अंडर रूट में थ्री बाय फाइव का स्क्वायर अपॉन में टू। फिर क्या है आपका लॉग, फिर एक्स प्लस अंडर रूट सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट में थ्री बाय फाइव का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस का सी, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, रूट टू उसको बाहर रखो, रूट में फाइव हो जाएगा एक्स अपॉन में टू, ये अंडर रूट वाला सेम रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय फाइव प्लस, ये हो जाएगा थ्री बाय फाइव तो सेम रहने वाला है, अपॉन में टू इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय फाइव प्लस का सी। तो यहाँ पे एक चीज और क्या जाएगा, देखिए अंडर रूट में फाइव यहाँ पर जाएगा एक्स अपॉन में टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री बाय फाइव प्लस, ये ऊपर जाए तो उल्टा हो जाएगा, देखिए वन ऊपर जाए तो वन थ्री के साथ थ्री फाइव टू जा टेन, यहाँ पे क्या जाएगा थ्री बाय टेन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री बाय फाइव यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपके टेस्ट में कुछ और दिया है तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ दो, ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से करना है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको इस फॉर्म में ले गया, किसी भी क्वेश्चन के फॉर्म में, तो हमने देखा यहाँ पे कौन सा थर्ड वाला क्वेश्चन का फॉर्म आ रहा है, तो हमने थर्ड वाले क्वेश्चन के फॉर्म में क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू को डिराइव मतलब क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोला है, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में ए का स्क्वायर माइनस एक्स इज टू सिक्स। सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिखता हूँ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स के पावर में सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स, ओके। ये इंटू तो मैंने आगे पीछे लिख दिया, अब देखिए हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में लाना, ओके। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, ए स्क्वायर तो सेम है माइनस, तो क्या कर सकते हैं ए रेस टू एम, ओके पूरे पावर में एन इज इक्वल टू होता है ए रेस टू एम इंटू एन होता है, मीन्स यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स पावर में टू पूरे पावर में थ्री, नहीं तो काम करते थ्री ले लेते हैं एक्स पावर में थ्री पूरे पावर में टू। अब देखिए बन गया ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके यहाँ पे क्या आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स। फिर आप बोलेंगे यार देखिए यहाँ पे चलो ठीक है यहाँ पे बन गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट इसको हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने देखा है सब्सटीट्यूशन मेथड, कौन सा सब्सटीट्यूशन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को, तो जाएगा पुट एक्स पावर में थ्री इज इक्वल टू टी, उसका डेरिवेट करेंगे तो क्या जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ गया है। तो रखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए का स्क्वायर से माइनस, यहाँ पे एक्स पावर में थ्री को हमने क्या सपोज किया टी, यहाँ पे जाएगा टी का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे थ्री है ना, तो थ्री यहाँ पे जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे अपॉन में आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू वन बाय थ्री डी टी। देखिए इसको एक स्टेप और करना है ऐसा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री डी टी, ओके, क्योंकि देखिए ये इंटू इधर है तो डिविजन है, ओके, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब वन बाय थ्री कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, तो आई इज इक्वल टू वन बाय थ्री इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और एक इसमें अंडर रूट में यहाँ पे हो गया डी टी। अब इसको क्या करना, चेक करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला तो लगा देते हैं, क्या है हमारा एक्स बाय ए, एक्स बाय टू है ना, तो एक्स क्या हमारा टी है, तो जाएगा टी बाय, यहाँ पे वन बाय थ्री बाहर रखना पहले, तो टी बाय टू, फिर रूट सेम ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब तो सेम ही रहेगा ए स्क्वायर अपॉन में टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या हमारा टी है, ए का वैल्यू क्या जाएगा टी बाय ए है ना, एक्स बाय ए, यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस का सी,
ये हो गया है। अब क्या करना है आपको, सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो 1/3 तो एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा टी का वैल्यू क्या, हमारे पास टी का वैल्यू है एक्स क्यूब, हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 2 अंडर रूट में, हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो सेम ही रहने वाला माइनस टी का स्क्वायर यानी एक्स के पावर में क्या हो जाएगा 6। ओके देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले एक स्टेप चलो कर देते, कोई बात नहीं, एक्स के पावर में 3 पूरे का स्क्वायर रहेगा, फिर यहाँ पे सेम रहेगा प्लस ए के पावर में 2 अपॉन में 2, फिर साइन इनवर्स यहाँ पे भी सेम हो जाएगा एक्स के पावर में 3 अपॉन में ए प्लस का सी, बस हो गया हमारा आंसर। ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा एक्स के पावर में 3 अपॉन में 2, अंडर रूट में सेम रहेगा ए का स्क्वायर माइनस 3 × 6 एक्स के पावर में 6 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स के पावर में 3 अपॉन में ए पूरे के बाहर सी, ये आपका आंसर है। चाहिए तो आप इसका 1/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो आपके टेस्ट बुक के पीछे आंसर क्या दिया मालूम है, यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो हम लोग भी कॉमन ले लेते हैं। तो I इज इक्वल टू 1/, देखिए ये 2 बाहर है तो 3 × 6 अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर में 3 अंडर रूट में क्या है, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर में 6 एक्स के पावर में 6, फिर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स के पावर में 3 अपॉन में ए प्लस का सी। आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, आपका टेस्ट बुक आंसर कर निकालना है तो आप क्या करो, 1/2 को यहाँ से कॉमन लेकर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अगर टेस्ट बुक का नहीं निकालना तो ये सही है, दोनों ही आंसर राइट है, आप कोई भी लिख सकते हैं। ओके तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, अंडर रूट में एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सॉरी 7 माइनस एक्स है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स माइनस 3 और 7 माइनस एक्स बाहर dx। अब देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट है अंदर, तो हम लोग क्या करें, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करिए। ये आई इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ क्या, 7x एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर 3 × x माइनस 7 × 3 = 21, फिर माइनस माइनस प्लस और 3x यहाँ पे dx। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ मैं, फिर क्या है ये 3 है और 7 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, फिर 21 माइनस है ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो गया आपका dx। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस को हम जब भी हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं तो आगे माइनस नहीं रहता, हम लोग क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ओके हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, वहाँ माइनस को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x प्लस का 21 यहाँ पे dx। ओके माइनस जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, सभी जगह क्या होता है, साइन चेंज होता है। ओके अब देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो हमने इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला देखे थे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना माइनस 10 है पूरे का होल स्क्वायर, 2 × 5 = 10 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 25 को यहाँ पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो करिए आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 माइनस का 25 प्लस का 21 बाहर dx। ओके देखिए जो 25 एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला टर्म को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस 25 में से 21 का तो 4 आ गया यहाँ पे dx, तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में हो जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर है, ये क्या माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे dx। अब ध्यान से देखिए देखिए एक्स माइनस 5 यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये फॉर्मूला लग रहा है, बट यहाँ पे देखिए माइनस बाहर है, माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके चलो करते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया dx। ओके तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमको कहाँ पे कौन सा मूव लेना है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, देखिए क्या गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
कहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो ये स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो फॉर्मूले में क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन में टू, तो एक्स क्या हमारा एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव अपॉन में टू पहला काम। फिर क्या है रूट सेम उठा लेते हैं हम लोग, रूट सेम आएगा, रूट में क्या हमारा, रूट में हमारा टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है टू है ना, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा टू का स्क्वायर अपॉन में टू, यानी टू का स्क्वायर डायरेक्टली लिखो ना, टू का स्क्वायर कितना था फोर होता है। फिर इन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई, एक्स क्या हमारा, एक्स हमारा है टू, अच्छा एक्स है ना पहला पहला एक्स ऊपर वाला पार्ट आएगा ये वाला, एक्स माइनस फाइव अपॉन में ए का वैल्यू क्या है टू ए प्लस का सी, ये हो गया है। अब इसको क्या करना है, कुछ बाहर नहीं है ना, नहीं है, अब क्या करना है इसको सीधा सिंप्लीफाई करते हैं, तो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव अपॉन में टू अंडर रूट में, ध्यान देखिए देखिए ये वाला पार्ट कैसे बना है, ये जो टर्म कहाँ से आया है, ये जो टर्म आया है देखिए इससे आया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए है ना, तो आप इससे जब क्वेश्चन ही सीधा ऐड कर दीजिए, एक्स माइनस थ्री और सेवन माइनस एक्स प्लस टू टू जा फोर, तो जाएगा टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस फाइव अपॉन में टू प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके ये आपका फाइनल आंसर है, इस तरीके से करना है हमने क्या क्या सबसे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वाला ऐड कर सकते हैं या तो इसका स्क्वायर करके ये वाला भी, ये वाला पार्ट लिख सकते हो, दोनों ही आंसर राइट है, बट ट्राई करो क्योंकि देखो ये फॉर्म किस में से आया, ये इसी को सॉल्व किया तब तो ये फॉर्म आया ना, तो अब डायरेक्ट इसके लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्क्स से मिलने वाला। तो हमने क्या क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला, फिर उसको क्या क्या उसका जो फैक्टर निकाल के हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, अंडर रूट में फोर के पावर में एक्स इंटू ब्रैकेट में फोर के पावर में एक्स प्लस का फोर है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में फोर के पावर में एक्स इंटू फोर के पावर में एक्स प्लस का फोर यहाँ पे डी एक्स। ओके अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला था हमारा ए रेस टू एम पूरे पावर में एन इजल टू होता है ए रेस टू एम इंटू एन, यहाँ पे कुछ ऐसी देखिए फोर के पावर में एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर के पावर में टू पूरे पावर में एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये पहले से पावर में था, फोर इंटू के पावर में, क्योंकि देखो टू टू का स्क्वायर कितना होता है फोर होता है। ओके अब इसी को हम ऐसा चेंज कर सकते हैं टू के पावर में एक्स पूरे पावर में टू, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला लगता है ना, अल्टा पल्टी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने वाला तो सेम ही आने वाला है। ओके अब देखिए टू इंटू थ्री लिखिए या तो थ्री इंटू टू लिखिए, आपको मिलता क्या है सिक्स ही मिलता है। ओके तो ये यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं, देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा टू, यहाँ पे एक्स पूरे पावर में टू, फिर यहाँ पे सेम टू एक्स पूरे पावर में टू प्लस का टू का स्क्वायर यहाँ पे हो गया डी एक्स। ओके अब देखिए ये क्या है स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा तो टू रेस टू एक्स हो जाएगा सिर्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू रेस टू एक्स और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में टू के पावर में एक्स इसका स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो फॉर्म बन गया, यहाँ पे कौन सा फॉर्म बना थर्ड वाला पड़ा, बट ये एक एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या करते हैं जब एक्स्ट्रा होता है तो हम लोग क्या करते हैं सपोज कर लेते हैं। ओके सपोज कर लो पुट टू रेस टू एक्स इजल टू टी, तो देखिए ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स क्या होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो जाएगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग, यानी कि लॉग टू, यहाँ पर जाएगा डी एक्स इजल टू डी टी। तो ध्यान से देख लीजिए इसका वैल्यू ये आया है, बट हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ डी एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे इसको इधर ढकेल देंगे, तो जाएगा टू रेस टू एक्स इंटू लॉग टू इजिक्वल टू लॉग नहीं चाहिए ना, लॉग नहीं चाहिए, यहाँ पर जाएगा डी एक्स इजिक्वल टू वन बाय लॉग टू इंटू डी टी। अब ध्यान से देख लीजिए ये वाला यूज नहीं करना हमको, ये वाला नीचे वाला यूज करना है, देख लीजिए टू रेस टू एक्स है ना, टू रेस टू एक्स, देखिए हमारे पास क्या है टू रेस टू एक्स है ना, टू रेस टू एक्स इंटू क्या है डी एक्स है, ये देख लीजिए टू रेस टू एक्स इंटू डी एक्स है ना, देखिए टू रेस टू एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है वन अपॉन में लॉग टू डी टी। ओके तो जहाँ पे भी है वहाँ पे हम इसको सब्सिट्यूट कर देंगे, बस अब सिंप्लीफाई कर लेते, हो गया हमारा आंसर आ गया, देख लीजिए ये आपका आया है, ये हमने सपोज कितना पुट किया है, इसको भी लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा आपका टी के पावर में टू प्लस का टू का स्क्वायर, ये क्या रहेगा आपका अंडर रूट में, यहाँ पे जाएगा वन बाय
लॉग टू इंटू डी टी, लॉग टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वन अपॉन में लॉग टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में टी का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यहाँ पर जाएगा डी टी। अब देखो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो आई इज इक्वल टू वन अपॉन में लॉग टू ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स बाय टू यानी कि टी बाय टू, फिर ये वाला तो सेम रहेगा टी स्क्वायर प्लस का टू का स्क्वायर यानी ओके, फिर यहाँ पे क्या प्लस ए का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा अपॉन में टू, तो टू टू जाए फोर यहीं पर रहने दो, फिर आएगा लॉग लॉग फिर मॉड में एक्स यानी कि टी प्लस अंडर रूट में टी का स्क्वायर प्लस का टू का स्क्वायर ओके प्लस का सी, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्यों, क्योंकि वन बाय लॉग टू लॉग क्या है बाहर है, वन बाय लॉग टू बाहर है, तो वन बाय लॉग टू हो जाएगा टी का पावर, टी का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, टी का क्या था ई रेस टू सॉरी टू रेस टू एक्स अपॉन में टी, यहाँ पे सेम रहेगा टी का स्क्वायर है ना, टी का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा हमारा ये वाला देखो टी का स्क्वायर है ना, देखिए हमने टी का स्क्वायर ये हमारा टी का वैल्यू स्क्वायर करो क्या जाएगा, देखिए टू रेस टू एक्स टी का वैल्यू इसका स्क्वायर कर क्या जाएगा फोर रेस टू एक्स हो जाएगा सेम, ये देखिए यहीं पर हमने सेम कम किया ना, यहाँ पर जाएगा फोर रेस टू एक्स प्लस का फोर फिर प्लस टू लॉग टी का वैल्यू क्या है टू रेस टू एक्स, टू रेस टू एक्स प्लस अंडर रूट में सेम हो जाएगा फोर रेस टू एक्स प्लस का फोर प्लस का सी, यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा वाला ओके, तो ये हो गया इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया इसको चेंज कर दिया इस फॉर्म में, फिर इसको सपोज कर लिया, देखिए पहले इसको बाहर निकाल के फिर सपोज किया, फिर यहाँ पे टी के फॉर्म में देखिए आ गया सब चीज़, फिर इसको क्या किया सिंपली यहाँ से कोई भी जो फॉर्मूला लगता लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होते हैं ओके, और आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे अब स्टॉप करता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक सॉल्व करते हैं ओके। तो आई होप कि जितने हम लोग करते जा रहे हैं आप भी उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ओके, अगर प्रैक्टिस करने में आपको कुछ भी परेशानी आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको सोल्यूशन करके देंगे ओके, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग हो चाहे तो तुम्हारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हो करेंगे। और एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपको जितने भी चैप्टर्स मैंने कराए हैं उसका जो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग उसको आपको हैंड रिटन नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करेंगे ओके। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।